हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। आप सबका स्वागत है एक नए वीडियो में और अपने ब्लॉग में, आपके अपने चैनल में स्वागत है। और आज हम राइड पे चल रहे हैं गाइस। टाइम हो चुका है 6:32। लेट हो गए थोड़े से, बट निकलते हैं। आज थोड़ी सी दूर तक जाएंगे, थोड़ी ज़्यादा राइड करेंगे आज। अप्रोक्स 200-250 किलोमीटर के बीच में राइड होगी आज गाइस। तो चलो चलते हैं, आपको हाईवे पे मिलता हूँ गाइज मैं। लो गाइज, हम पहुँच गए हाईवे पे। वैसे तो हम बाला वाले पुल पे हैं, ठीक है गाइज। और मौसम देखो क्या हो रहा है, सूर्य देवता जी को नमस्कार। पूरी तरह बाहर नहीं आए सूर्य देवता जी, पर फिर भी सूर्य देवता जी को नमस्कार। और गाइज आज मैं ये देखो टैंक बैग, बहुत दिनों बाद टैंक बैग लाया हूँ आज। क्यों लाया हूँ, क्योंकि इसमें रेन कवर हैं, क्योंकि बादल देख रहे हो गाइज आप, ठीक है। बादल बहुत ज़्यादा हैं और इसी मौसम में, पहले भी इसी जगह पर गया था मैं, तब मैंने वीडियो नहीं बनाई थी। वीडियो बनाई थी गाइस, तब मेरे पास गोप्रो का माइक अडेप्टर नहीं था, तो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया था कुछ। वो वीडियो अब तक पड़ी है मेरे पास, वो फर्स्ट व्लॉग था मेरा, वो फर्स्ट वीडियो थी। व्लॉग तो नहीं कह सकते उसको गाइस, वो फर्स्ट वीडियो थी मेरी, सबसे पहली वीडियो, वहाँ मैं गया था। और ये ऑल न्यू रूट होने वाला है आप लोगों के लिए भी, मेरे लिए भी। और वीडियो देखते रहो गाइस, पूरी वीडियो देखना, मज़ेदार वीडियो होने वाली है। आज हम बात करने के वाले हैं, आज हम बात करने वाले हैं एक्सेसरीज, जो हमने एक्सेसरीज इंस्टॉल कराई हैं अपने बाइक में, क्या क्या इंस्टॉल कराया, क्या क्या क्यों कराया, सब बात करेंगे आज हम। किस लिए हमने इंस्टॉल कराया, ठीक है गाइस, क्या क्या कराने वाले हैं ये भी मैं डिस्कस करूँगा। और जाने वाले हैं हम पोंटा साहिब गाइस, पोंटा साहिब जा रहे हैं हम। देखो 6:30 निकला हूँ, पता नहीं कितने बजे तक पहुँचूँगा। अभी फ्यूल अप भी कराना है, फ्यूल नहीं है बाइक में, पहले फ्यूल अप कराते हैं। कर ऊपर कर ले, ऊपर कर ले, भर दे ऊपर, नक्को नक्की भर दे। 700-800 आ जाएगा मेरे ख्याल, आराम से, बस गिरे ना। आराम से आराम से आराम से आराम से। ना ना थैंक यू भाई, चाय नहीं, चाय पीते नहीं, ठीक है भाई। 780। चलो गाइस, हम एक दो चीज़ों की बात ही कर लेते हैं। जैसे कि पहली, हमने सबसे पहली मेरी एक्सेसरी दी गाइस, ये मोबाइल होल्डर, ठीक है, जो कि है सिमटेक का, जिससे मैं एक फ़ोन तोड़ चुका हूँ। ये देखो वाइब्रेशन देखो गाइस कितनी है इस सिमटेक के, उसमें पता क्या है, मोबाइल की वाइब्रेशन, इसमें तो वाइब्रेशन आएगी आएगी, जब तक आपकी बाइक में वाइब्रेशन होगी ना, तब तक ये वाइब्रेशन आएगी ही आएगी गाइस। आगे हाईवे, मैं बोल रहा था ना हाईवे आएगा ज़रूर। किधर से जाना है गाइस, हाँ ये सीधा, ओ यही मुड़ना ना गाइस। मैप कहाँ गया मेरा, हाँ गाइस यही हाईवे है, हाईवे आ गया, देखो बिल्कुल सीधा हाईवे है। अब मेरे को नहीं पता कितनी आगे से मुड़ना है, ये तो दिखा रहा है 85 किलोमीटर के बाद मुड़ना है, ठीक है, 17 किलोमीटर के बाद थोड़ा सा टर्न होएगा। ये तो 84 किलोमीटर रह गया आप गाइस यहाँ से, तो 1 घंटा 31 मिनट दिखा रहा है। तो ये हाईवे बढ़िया है गाइस यार, ज़रूरी हमने अंबाला सिटी से या अंदर से जाना है, ये हाईवे है बिल्कुल स्ट्रेट हाईवे है। बात करते चलेंगे आपसे, मौसम देख लो बढ़िया हो रहा है, कहीं बारिश पड़ी तो रुक के हम रेन कवर वगैरह डाल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम क्या बात कर रहे थे, हाँ सिमटेक के मोबाइल होल्डर की बात कर रहे थे गाइस। मोबाइल होल्डर जो है, इसमें वाइब्रेशन बहुत आती है, ट्रांसफ़र होती है, बिना वाइब्रेशन वाले भी आ गए हैं, पर वो बहुत कॉस्टली जाते हैं मेरे हिसाब से। तो मैंने वैसे चेक नहीं किया गाइस, तो चेक कर लेना। वाइब्रेशन संभालने वाले भी आ गए हैं आजकल, वाइब्रेशन लेस ऐसे कुछ बोलते हैं उनको, मेरे को याद नहीं है। तो ये सिमटेक का मेरे को तो सही लगा गाइस, ये रबड़ जरूर लगाना, नहीं तो आपका मोबाइल कवर के अंदर से ही उड़ के चला जाएगा। मेरा भी ऐसे ही हुआ था, कवर डाला हुआ था, या तो बिना कवर के लगाओ, आपको फ़ोन की परवाह नहीं है तो। मेरे को फ़ोन की बहुत परवाह है गाइस, तो मैं कवर के साथ ही यूज़ करता हूँ, बिना कवर के यूज़ नहीं कर सकता मैं मोबाइल, बहुत टूटते हैं मेरे मोबाइल गाइस। अब जैसे कि मैंने ये मिरर्स दिए हैं गाइस, ये मिरर्स हैं टूरिंग मिरर्स, अब ये लिए मैंने कंपनी के, ऑनलाइन ले सकता था, थोड़े सस्ते भी मिलते शायद ऑनलाइन, मैंने चेक भी किया था, ऑनलाइन सस्ते हैं थोड़े से, 1000-1500 का फ़र्क है, पर मैंने लिया है डिस्ट्रीब्यूटर से, जो डिस्ट्रीब्यूटर है रॉयल फील्ड का, उससे लिए हैं गाइस, ताकि मेरे को कल को दिक्कत आए तो मैं वहाँ जा सकूँ।
और वारंटी क्लेम कर सकूँ। वारंटी भी क्या गाइस, तो तुम्हारे को ना चीज़ अच्छी मिल जाती है यार, ऑफलाइन चीज़ देख के मिल जाती है, कहने का मतलब भी तुम्हारे को पसंद है तो लो, नहीं तो नहीं। देख के ना समझ आ जाता है चीज़ का भी हमारे को लेनी चाहिए या नहीं, यह बहुत कॉस्टली है, ये लगवाने की जरूरत नहीं है। वैसे तो लोग बार एंड मीटर्स लगवाते हैं, पर मेरा बार एंड मीटर्स का कोई मन नहीं था गाइस, क्योंकि मैं यही यूज़ करता हूँ। ये बढ़िया है, वाइब्रेशन ज़ीरो है इनमें, देखो गाइस वाइब्रेशन ज़ीरो, जो साथ आते हैं उनकी वाइब्रेशन तो बहुत ज़्यादा होती है गाइस। ये रीज़न यही था चेंज करने का कि वाइब्रेशन गाइस उसमें तो कुछ दिखता ही नहीं है। 80-90 पे आप बाइक चलाओगे ना, जब 80-90 पे बाइक चलाओगे पीछे कुछ नहीं दिखता उनमें, ये वाइब्रेशन बिल्कुल ज़ीरो है इनकी, बहुत साफ दिखता है पीछे का और बहुत दूर तक दिखता है, बहुत क्लियर है। और अगर इसमें सूरज पड़ता है तो आँख में नहीं डलता, सबसे अच्छी बात, लाइट डलती है तो पीछे से वो आँख में नहीं डलेगी आपके, चुभेगी नहीं आपको, चुभेगी नहीं गाइस लाइट, वो भी एक अच्छी बात है इसकी। ये तीन एक्सेसरीज ही दिख रही हैं अभी गाइस, बाकी मैं उतर के आपको दिखाता हूँ, कहीं रुकूँगा तो दिखाता हूँ आपको गाइस। वेदर देख रहे हो, वेदर प्यारा गाइस, क्या मज़ेदार वेदर है, सेक्सी, देखो बादल, सीनरी है, सीनरी गाइस, प्रॉपर सीनरी है, जो ड्रॉ करते हैं ना वैसी सीनरी लग रही है। देखो वहाँ येलोइश, यहाँ ब्लूइश, ब्लैकिश बादल, ओए होए होए, मज़ा ही आ गया गाइस। ऐसे वेदर में राइड ना की तो क्या मज़ा, ठीक है ना, थोड़ी सी बारिश पड़ भी गई, थोड़े से गिल्ले हो भी गए, तो मज़ा तो है ही है ना गाइस। बैटरी डिस्चार्ज हो गई थी GoPro की गाइस, तो हम रुके हैं 2 सेकंड के लिए, मैं क्या बैटरी चेंज कर लें, बैटरी चेंज कर लिया हमने, तो निकलते हैं दोबारा और थोड़ा सा अब व्यू एंजॉय करो, ठीक है। और पहले हम बात करते हैं अभी दो चीज़ों की, पहले आपको दिखा देता हूँ दो चीज़ें एक्सेसरी हैं हमारे पास, बात हम चलते चलते करेंगे, सिर्फ दिखा रहा हूँ। ये देखो, एक तो जाना का ये क्या कहते हैं इसे, फुटरेस्ट, ठीक है, क्रैश गार्ड बोलते हैं वैसे, मैंने फुटरेस्ट बनाया हुआ वो लग पाता है क्रैश गार्ड, और ये HJG की लाइट्स, तो हम बात करेंगे इसकी चलते चलते, तो बाइक पे बैठते हैं और बात करते हैं। तो हम बात कर रहे थे ये जाना का क्रैश गार्ड और फॉग लैंप्स की, फॉग लैंप्स देखो गाइस, रात को अगर तुम राइड कर रहे हो, अगर एमरजेंसी में करनी पड़गी या दिन ऐसा हो गया थोड़ा सा मौसम बादल आ गए, तो आपको फॉग लैंप्स की ज़रूरत पड़ सकती है। क्योंकि मेरे को अभी, मैं राजस्थान गया था, जिसने राजस्थान वाली सीरीज़ नहीं देखी ना गाइस, जाके देखो, उसमें रात को हमको राइड करना पड़ा एमरजेंसी में, नहीं तो वैसे रात को हम राइड बहुत कम करते हैं क्योंकि दिन दिन में ही निकाल लेते हैं गाइस, पर फिर भी एमरजेंसी में ज़रूरत पड़ सकती है कभी भी, तो ये फॉग लैंप्स होने चाहिए, ये नहीं तो कोई और आपकी मर्ज़ी हो तो जौन से मर्जी इंस्टॉल करो गाइस, बट स्टिल ये फॉग लैंप्स ज़रूरी हैं। और सेकंड थिंग जो हमने बात की थी, जाना के गार्ड, क्रैश गार्ड, जाना के जो क्रैश गार्ड है ना गाइस, वो इम्पोर्टेंट इसलिए हैं क्योंकि देखो क्रैश हो सकता है, अगर आप बहुत सेफ्टी से भी चलाते हो तब भी क्रैश हो सकता है गाइस, ठीक है, और क्रैश का कुछ नहीं पता होता कब हो जाए कब नहीं, वैसे तो हो ना किसी के साथ भी ये हादसा ना हो क्रैश वाला, बट स्टिल खड़े खड़े भी गिर सकती है बाइक, क्रैश छोड़ो खड़े खड़े भी बाइक गिर सकती है, तो आपके लीवर्स टूट सकते हैं, क्लच लीवर या ब्रेक लीवर टूट सकता है, या टंकी पे चोट लग सकती है, टंकी मुड़ सकती है, बेंड हो सकती है टंकी नीचे लगने की वजह से, तो क्रैश गार्ड ज़रूरी है गाइस, क्रैश गार्ड लगवाओ, जौन सी मर्जी कंपनियां लगवाओ, मैंने जाना के लगवाए हुए हैं। इसमें क्या है, एक और चीज़ है गाइस, लेग्स देखो रेस्ट पे चली जाती हैं, लेग्स गुरुद्वारा श्री पौंटा साहिब रीच्ड गाइस, फाइनली पहुंच गए।
गाइस यहाँ एक मंदिर भी है, मंदिर भी मत्था टेकते हैं, जो मत्था टेक के फिर निकलते हैं। ये देखो मंदिर है यहाँ, जय श्री राम। चलो पानी के बिल्कुल साथ गाइस, ये देखो ये भी छोटा सा मंदिर बना हुआ है यहाँ। ये देखो ये प्लेट लगी हुई है, पढ़ लो ये प्लेट। ये देखो यमुना घाट उत्सव, ठीक है, गोविंद घाट नाम है इसका घाट का। गाइस जी देखो यहाँ से जा रही है। गाइस अब हम जाएंगे दूसरे रास्ते से, बोबले रास्ते से नहीं जाएंगे, वो रास्ता बहुत लंबा पड़ा अपने को, ठीक है, 10 या 15 किलोमीटर एक्स्ट्रा पड़ा है वो रास्ता। तो दूसरा रास्ता देखते हैं कितने किलोमीटर है। पहले यहाँ कोई ढाबा देखते हैं गाइस। गाइस मेरे को पता ही नहीं था अंदर मंदिर है, मैं पहली बार देखा अंदर मंदिर बना हुआ। गाइस वो एंड में नीचे उतर गए, कभी आए ही नहीं पीछे, मैं पहली बार, मैंने कहा टाइम है तो आराम से देखते हैं पूरा गुरुद्वारा साहिब देखने के चक्कर में मंदिर मिल गया हमारे को। मंदिर में मत्था टेका, अच्छे दर्शन हो गए, मज़ा आ गया। गाइस भैया रेस्टोरेंट है, रेस्टोरेंट है किस साइड सीधा है भाई, रेस्टोरेंट यहाँ पे, शुक्र है दे हैव रेस्टोरेंट। गाइस ब्रेकफास्ट आ चुका है, देखो ब्रेकफास्ट चने भटूरे, ठीक है, और कॉफ़ी भी आ रही है, कॉफ़ी पीते हैं फिर निकलते हैं जल्दी यहाँ से। चलो आ जाओ ब्रेकफास्ट करो, आप भी हमारे साथ आ जाओ। तो सॉलिटेयर होटल में हमने ब्रेकफास्ट कर लिया, ठीक है, और अब हम बात करने वाले हैं एक टेल लाइट, ठीक है, तीन चीज़ें रह गई हैं मेन टेल लाइट जो अभी हमने चेंज की थी उसकी वीडियो चैनल पे पड़ी है, जाके देख लो गाइस, वैसे भी देखा है कोई नहीं देख रहा, ठीक है। उसके बाद एलोए व्हील की फुल वीडियो है पड़ी इसकी भी, ठीक है। एग्जॉस्ट की फुल वीडियो नहीं है क्योंकि उस टाइम मेरा चैनल मैंने शुरू नहीं किया था गाइस, तो एग्जॉस्ट की पूरी वीडियो नहीं है। पावर रेंज के एग्जॉस्ट हैं, ये हिमालयन की है और एलोय है मिटेर का, ठीक है। तो अभी चलते हैं, बात इसी के बारे में बात करेंगे, तो चलो बाइक पे बैठते हैं, स्टार्ट करते हैं। ओए कैमल गाइस, ये देखना कैमल कहाँ घूम रहा है यहाँ पे। अच्छा चलो गाइस हम अब बात करेंगे टेल लाइट की। सबसे पहले स्विच करते हैं पीछे वाले कैमरे पे, 1 2 3 को। गाइस देखो ऐसा है कि जो ये टेल लाइट है ये हिमालयन की, जो इसके साथ आती है वो आती है बल्लब वाली, वो लगती है ओल्ड स्कूल, ठीक है, ओल्ड फैशन हो गया उसका, बहुत पुरानी लगती है वो, ऐसा लगता है पता नहीं कौन से सन की है, ठीक है। तो हमने इस पर लगाई है हिमालयन की टेल लाइट, जो दिख एक तो एलईडी है गाइस, दूसरा गाइस क्या लगती है, प्यारी लगती है गाइस, ये जो लाइटें हैं ना एलईडियां, ओए होए होए प्यारी लगती हैं एलईडियां। आपको दिखाई है, मैंने फुल वीडियो है चैनल पे, मैं दोबारा बोल रहा हूँ फुल वीडियो चैनल पे है, जाके देखो पूरी वीडियो। चलो इसके बाद हम बात करेंगे अलॉय की, अलॉय और टायर दोनों चीज़ें डलवाई हुई हैं हमने पीछे देख ही लिया कौन सा अलॉय है, मिटेर का अलॉय है, ठीक है, मिटेर का अलॉय है। तो गाइस हमने मिटेर के अलॉय इसलिए डलवाए हैं, एक तो ये 17 इंचीज है, दूसरा इसमें जो टायर डला है वो भी 17 इंचीज डलेगा, अगर 17 इंचीज अलॉय है तो 17 इंचीज से डलवाया गाइस, क्योंकि जो इसके वो है ना क्या कहते हैं टायर 18 इंच के, वो ना बहुत रेयर कोई किसी कंपनी का आता है, हर एक किसी कंपनी का आता नहीं है, तो इसलिए हमने 17 इंच करा के उसको टायर भी 17 इंच डलवा दिया है। और डलवाया क्यों है गाइस, क्योंकि डलवाना ज़रूरी था गाइस, डलवाया है। और अलॉय क्यों डलवाया है, क्योंकि पंचर, अगर गाड़ी पंचर हो जाए कोई आसानी से, एक तो इसका टायर मतलब अलॉय नहीं खोलता गाइस, बहुत मुश्किल है, हर एक मैकेनिक हाथ नहीं लगाता क्योंकि इसकी इतना डिस्क साथ खुलती है, तो ये प्रॉब्लम है। तो अब पंचर होगा तो खुद भी लगा सकता हूँ मैं, पंचर किट रखता हूँ मैं आजकल साथ, ताकि दिक्कत ना आए हमारे को, अगर पंचर हो तो हम खुद भी लगा सकें, टायर खोलने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही लग जाएगा।
उसके बाद आते हैं लास्ट हमारे एग्जॉस्ट। पहले गाइस आवाज सुनो आप एग्जॉस्ट की, सुनी गाइस कैसे लगी आवाज। गाइस देखो ऐसा है, एग्जॉस्ट हमने इसलिए चेंज कराए हैं क्योंकि देखो गुंगी बाइक अच्छी नहीं लगती ऐसी बाइक, 650 cc और कंपनी एग्जॉस्ट लगे हों और आवाज़ ना हो मज़ा नहीं आता गाइस। जब तक कानों में आवाज़ ना जाए ना एग्जॉस्ट की, लड़कों को मज़ा नहीं आता भाई। स्पीड तो अलग बात है पर मज़ा नहीं आता गाइस लोगों को, लड़कों को, मेरे को तो नहीं आता गाइस बिना एग्जॉस्ट के लाना मज़ा, तो इसलिए हमने एग्जॉस्ट चेंज कराए हैं। और पावर नेंस होती या नहीं होती मेरे को नहीं पता क्योंकि मैंने चलाया ही नहीं बिना नेवले एग्जॉस्ट से, साथ के साथ 10-15 दिन में 500-600 किलोमीटर चली थी तब मैंने एग्जॉस्ट चेंज करा लिए थे गाइस। और बताओ पावर रेंज के एग्जॉस्ट हैं कैसी आवाज़ है गाइस, आवाज़ बताओ कैसी है शानदार गाइस। आपको मैंने सारी चीज़ें बता दी, एक चीज़ रहेगी बतानी, बताओ क्या। सीट जिस पे हम बैठे हैं वो याद ही नहीं रही गाइस, मैं 2 सीट चेंज कर चुका हूँ जो अब लगी हुई है ना, ये कंपनी से है रॉयल फील्ड से, ये सीट है, ये सीट कौन सी गाइस बता दो जल्दी, ये सीट है इंटरसेप्टर के लिए स्पेशल टूरिंग सीट है, जो हम इससे पहले सीट यूज़ कर रहे थे वो सहारा की थी, वो एक्चुअली सीट ना भारी थी गाइस इसलिए वो ऐसे भी ख़त्म हो चुकी थी। अब मेरा दिल्ली चक्कर लगेगा तो मैं लेके जाऊंगा वो सीट ठीक करा के आऊँगा यहाँ से, वो वाली सीट ठीक करा के आएंगे गाइस। ओके, और ये वाली टूरिंग सीट अच्छी है नो डाउट, मज़ेदार है ये टूरिंग सीट। मैं थका पता है, अब थका हूँ जाके, सुबह जब गया हूँ बिल्कुल नहीं थका गाइस, मैं अनकम्फर्टेबल हो गया हूँ क्योंकि देखो सुबह तो एनर्जी होती है सुबह एकदम है ना, तो अभी एनर्जी होगी डाउन। और मेरा ना एक्चुअली बहुत ज़्यादा हो गया वेट गाइस, वेट बहुत ज़्यादा हो गया तो अब सीट कोई भी कंफर्टेबल नहीं लग रही है। आपको सही बात बताऊँ, जिस दिन वेट कम हुआ ना, मतलब जिस टाइम वेट कम होएगा थोड़ा सा 10-15 किलो, तब मेरे को कंफर्टेबल लगने लग जाएंगी सीटें ये भाई, यही वाली सीट कंफर्टेबल लगने लग जाएगी। सही बात बता रहा हूँ आपको, वैसे अच्छी है सीट, वैसे कोई दिक्कत नहीं है सीट में, वैसे बहुत कंफर्टेबल सीट है गाइस ये। ओके गाइस, आज का व्लॉग था यहीं तक, थैंक यू फॉर वॉचिंग, राइड हार्ड, राइड सेफ और राइड करते रहें मज़े से। आपके पास जौन सी मर्जी बाइक है राइड करें, ठीक है गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के थैंक यू, शबा खैर, बाय, टाड़ा, राइड करें रज के, सड़कें ना पे दब के। ओके गाइस बाय।